हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम पी एम आर का एग्ज़ाम पैटर्न और फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और स्टडी मटेरियल का डिस्कस करेंगे अगर आप इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पहले ज़रूर देखें अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इस एग्ज़ाम में टोटल वन ट्वेंटी होगा मैक्सिमम माम मार्क्स थ्री सिक्सटी मतलब पर क्वेश्चन थ्री मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स माइनस वन पर रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क्स माइनस वन इसमें इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में दो सेक्शन होगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक के अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे पर सेक्शन में प्रीवियसली एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए थे इसका डिटेल में अब हम लोग डिस्कसन करेंगे तो सबसे पहले रीजनिंग रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस अरेंजमेंट्स अल्फा नंबरिक सीरीज ऑर्डर एंड रैंकिंग ये मेन इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर 2018, 17, 16 और 15 चार ईयर का टेबल में हम आपको प्रेजेंट किए हैं ब्लड रिलेशन्स में थ्री टू फोर कोडिंग डिकोडिंग थ्री टू फोर और और भी किस कोई और टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है जैसे क्लॉकवाइज। वाइज बट उसका क्वेश्चन बहुत कम था मेनली जो क्वेश्चन मुझे दिखा उसको मैं क्लासीफाई करके टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको दिया हूँ आप इसके अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन कोडिंग डायरेक्शंस अरेंजमेंट्स अल्फा सीरीज़ और ऑड रैंकिंग का प्रैक्टिस कर लें अब बात करते हैं इंग्लिश का इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स द ब्लैंक्स स्पेलिंग एरर और रीडिंग कॉम्प्रहेंसन ये चार पांच टॉपिक मस्ट है उसके बाद ऑड वन आउट एनालॉजी आइडम्स और ग्रामर का भी क्वेश्चन होता है पर बहुत कम होता है यहाँ पे हम चार ईयर का एनालिसिस करके आपको दिखाए हैं कि रीडिंग कॉम्प्रेहसन चार पाँच दस नौ ऐसे पर ईयर पे रीडिंग कॉम्पिटेशन एक दो कभी कभी तीन पैसेज भी आया है यहाँ पे ग्रामर का रो ब्लैंक है बट एक ईयर का क्वेश्चन में मुझे एक्टिव पैसिव वॉयस का क्वेश्चन दिखा था इसलिए ग्रामर छोड़ना नहीं है ग्रामर से भी क्वेश्चन आता है अब बात करते हैं मैथ्स का मैथ्स में डाटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें पर ईयर फिफ्टीन टेन या फाइव क्वेश्चन जरूर आता है मतलब कि दो तीन या एक सेट आता है जिसमें लाइन ग्राफ या बार ग्राफ पाई चार्ट, ये तीन में से कोई या तीनों रहता है उसके बाद टाइम एंड वर्क रेशियो में एज का एज रिलेटेड प्रॉब्लम मंजूरेशन कैलेंडर प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नंबर सीरीज परसेंटेज प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम ये मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे मैथ्स का क्वेश्चन आता है यहाँ पे चार ईयर का फिर से मैं आपको दे दिया हूँ इतना से इतना क्वेश्चन आया था तो ये इम्पोर्टेंट है इसको जरूर करिएगा और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए तो मस्ट है कि आपका अरेथमेटिक मतलब कि एवरेज रेशियो परसेंटेज ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे उसके अलावा भी बाकी सारा अर्थमेटिक का पोषण ही ज़्यादा है अल्जरा का भी एक दो क्वेश्चन दिखा है बट ज़्यादा नहीं दिखा आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में सबका प्रिपेयर करने का स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होता है बट ओवरऑल अगर देखें तो दो डी सेट पर डे सॉल्व करना चाहिए पांच नंबर सीरीज क्योंकि नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा था रीजनिंग सबको प्रैक्टिस करना चाहिए और मैथ्स मैथ्स में अरेथमेटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और मॉडरेट लेवल का डिफिकल्ट लेवल का नहीं प्रैक्टिस करना है इजी टू मॉडरेट लेवल का पर डे ये सब सारे प्रैक्टिस करने से आपका डी और मैथ का सेक्शन बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा अब बात करते हैं वर्बल सेक्शन के लिए तो इसमें पर डे आपको एक रीडिंग कॉम्प्रहेंसन करना है एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना है एडिटोरियल में लेफ्ट साइड के कॉलम पे जो दो एडिटोरियल रहता है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे लेफ़्ट साइड पे कॉलम पे, पे दो एडिटोरियल रहता है एक टॉप पे एक बॉटम पे बस वो दो ही पढ़ना इनफ है आपको बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है इसलिए वोकेबलरी पे भी ध्यान दें अब हम स्टडी मटेरियल का सोर्सेज डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर का मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए जिससे आप एडिटोरियल और करेंट न्यूज़ से अपडेट रहें प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करें और उससे क्या है कि आपका मैथ रीजनिंग सारा प्रैक्टिस होता रहेगा वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप फ्री में क्लासेस कर सकते हैं फिर गूगल पे आप सर्च करें डी या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन सेट वहाँ से आप आसानी से फ्री में क्वेश्चन ले उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं अरिहंत का मंथली युवा मैगजीन आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे 10 से 12 रुपए में मिल जाएगा जो कि मंथली करंट अफेयर कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा है स्टैटिक जीके कवर करने के लिए लूसेंट का जीके बुक आपके पास जरूर होना चाहिए तो ये सारा स्टडी मटेरियल से आप फ्री में या फिर बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न का जस्ट एक ओवरव्यू है आप खुद से बी ऑनलाइन साइट पर जाके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसको खुद से एनालाइज़ करें वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखें और करेंट अफेयर का सेक्शन इस पर कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता तो उसे आप खुद से एनालाइज़ कर लें पेपर पे जाके और प्रिपेयर करें